अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्यों होती है, क्योंकि इसके कुछ खास फंक्शन होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं परफॉर्म करता, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो लिहाजा अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले, कि जो ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मेल से कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर 28 डे, ठीक है, 28 दिन के एक साइक्लिक एक्टिविटीज होती है जिसमें एग की प्रोडक्शन फिर उसकी रिलीजिंग होती है। मेल के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, मेल के अंदर स्पर्म बनते रिलीज होते हैं और उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आती। लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, जब ये 28 डे का साइकिल चलता है तो इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें इस पूरे इंटायर स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। फिर 28 डे के बाद उसे दोबारा ओरिजिनल पोजिशन पर आना पड़ता है ताकि नया साइकिल चलाया जाए। जबकि मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और डायरेक्ट रिलीज हो जाते हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं आती। फीमेल के अंदर पहला कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह यह है कि इसके अंदर जो इंटायर स्ट्रक्चर है उसके अंदर 28 डेज साइक्लिक एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, बाद में वो वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। तो ये पहली वजह है कि फीमेल का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। जो दूसरी वजह है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल के अंदर क्या होती है जी, मेल के स्पर्म बनाना है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मेल में नहीं होगा। जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, नीचे से स्पर्म आएगा, इधर से एग आएगा, फ्लोपियन ट्यूब में उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर ये खसूसियात भी होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना होना चाहिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन को फेवर करे। तो एक दूसरी पॉइंट ये आ जाता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज में। और तीसरा, जो फीमेल की बॉडी होती है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसने नर्सिंग का काम भी करना है। ठीक है जी, तो जो तीसरा पॉइंट है वो क्या जी, नर्सिंग ऑफ एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि, और क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट भी इंटरनल है, ठीक है, वीवी पैरस का ये प्रोसेस होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो एम्ब्रियो होगा वो जो एक जाइगोड था जो एम्ब्रियो में बदल गया, अब उसने एक पूरे बेबी में डेवलप होना है, फिर उसकी डिलीवरी का प्रोसेस होता है। डिलीवरी से पहले उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है जी, वेस्ट की रिलीजिंग है, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसे रेस्पिरेशन के लिए गैसेस चाहिए, ठीक है जी, वो उसे मदर की बॉडी प्रोवाइड करती है। लिहाजा और वो फीटस जो होता है वो ग्रो कहाँ पे हो रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही होती जी, और इन यूट्रस। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो जो डिवेलपिंग एम्ब्रियो है उसकी नर्सिंग का प्रोसेस कर सके, उसकी नरिशमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये इसका तीसरा पॉइंट होगा जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है। और जो चौथा पॉइंट है वो है रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस, ठीक है जी। जो चौथा पॉइंट है वो क्या जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि 28 डे साइकिल चलता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, मेंसेंचुअल साइकिल एक फीमेल के अंदर चलता है ये 28 डे साइकिल के, इसके अंदर क्या होता है, यूट्रस की जो दीवारें होती हैं ये रप्चर होती हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, तो फिर ब्लड और डिस्प्रेस रिलीज किया जाएगा वजाइना के थ्रू। तो उसके बाद जो ये यूट्रस की दीवारों को डैमेज हुआ था उसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस भी होगा। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये रिपेयरिंग खुद कर सकता है अपनी, तो इस लिहाज से भी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो चंद मेजर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, चंद अहम पॉइंट्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फीमेल रिप्रोडक्टिव से डिफरेंट बनाते हैं, या हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देन उसके बाद बात की जाए कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कितने हिस्सों पर डिवाइड है। ठीक है, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होती है ओवरी। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग ओवरी और यूट्राइन ट्यूब की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यूट्रस, वेजाइना, सर्विकल और एक्सटर्नल जेनिटीलिया ऑफ फीमेल की बात करेंगे। तो अगर हम लोग पहले जनरली सपोज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर सारे कौन कौन से हैं, तो फीमेल के अंदर सबसे पहले आती है जी ओवरी, और ये पेयर की फॉर्म में होती है। ठीक है, दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में। देन उसके बाद इसके अंदर होती है नंबर टू यूट्राइन ट्यूब्स,
ठीक है जी, फ्लोपियन ट्यूब भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो दो ओवरीज हैं तो जाहिर सी बात है एक एग एक ओवरी बनाएगी, ठीक है जी, और दूसरी नहीं, फिर दूसरी दफा दूसरी ओवरी एग बनाएगी तो पहली नहीं। तो उनकी रिसीविंग के लिए दो यूट्राइन ट्यूब एट अ टाइम फीमेल की बॉडी में होती है, ठीक है जी, अराउंड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द एब्डोमेन। देन उसके बाद चाहे इस तरफ से एग प्रोड्यूस हुआ है, चाहे इस तरफ से हुआ है, 28 डे साइकिल है या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है, तो वो एग आके इम्प्लांट होगा कहां पे, यूट्रस में। तो जो तीसरा इसके अंदर स्ट्रक्चर आता है वो है यूट्रस, ठीक है जी। और फर्टिलाइजेशन हो गई है या डिस्पर्सल हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेंचुरेशन हो गई, तो उसके बाद वो जो अगर स्पर्म है तो उसे भी यहां तक, यहाँ प्रॉक्सिमल एंड में फर्टिलाइजेशन हुई, वहां तक आने के लिए पाथवे चाहिए। तो चौथे नंबर पे इसके अंदर आता है वजीना, ठीक है, वजाइना जो होता है ये फोर्थ पार्ट होता है। कुछ बुक्स के अंदर सर्विकल को भी पार्ट माना जाता है, जो कि बात सच है, लेकिन सर्विकल को हम लोग ज्वाइनिंग पार्ट कहते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फिर सर्विकल जो है, सर्विक सॉरी, ये फोर्थ पार्ट है, वजाइना क्या जी फिफ्थ पार्ट। तो ये पांच मेजर जो पार्ट्स होते हैं ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनरली अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात भी करें तो यही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी ओवरी की बात करते हैं। तो एक ह्यूमन फीमेल या कोई भी एनिमल फीमेल, ठीक है जी, लाजमी नहीं वो ह्यूमन की बात की जाए, कोई भी एनिमल फीमेल जो भी होगी या, ठीक है, उसके अंदर पेयर्स ऑफ ओवरी होती हैं, दो ओवरीज होती हैं, एक और दो, ठीक है, टू वन पेयर्स ऑफ ओवरी मौजूद होती है। तो जो फीमेल है इसके अंदर पेयर्स ऑफ ओवरी मौजूद होता है। अब कहां पे होगा, इन एब्डोमिनल अगेंस्ट द पेल्विक वॉल, ठीक है जी। फीमेल के अंदर जो होती है इसका जो ये सिस्टम है ये बॉडी के इंटरनल साइड पे होता है, ठीक है। मेल की बात की जाए तो टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ये जितना भी स्ट्रक्चर्स होगा ये सारे का सारा इन साइड ऑफ द बॉडी होता है। तो ये जो पार्ट होगा ओवरी, फ्लॉपियन ट्यूब, ये बेसिकली एब्डोमिन से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है जी, एब्डोमिन से थोड़ा सा नीचे, और ये जो पेल्विक वॉल होती है इसके अगेंस्ट होता है, यानी कि ये पेल्विक दीवार है, तो यहां पे ओवरी होगी, इसके ऊपर फ्लॉपियन ट्यूब होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा पेल्विक है, ठीक है जी, ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे ये पेल्विक है, ठीक है, ये वाला पेल्विक बोन यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये इन एब्डोमिनल अगेंस्ट द पेल्विक वॉल या सिंपली कहा जाता है अगेंस्ट द पेल्विक मौजूद होता है। अब ये जो ओवरी होती है इसके मुख्तलिफ काम होते हैं, ठीक है जी, उस काम के लिए ऐसे इसका स्ट्रक्चर्स भी होता है। तो स्ट्रक्चर से पहले हम लोग बात करते हैं, तो इसका पहला फंक्शन क्या है जी, इसके अंदर एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि हमने स्टार्ट में भी बात की है। तो इसके अंदर क्या होती है, साइक्लिक एक्टिविटी, यानी कि साइक्लिक प्रोडक्शन ऑफ एग, जो ओवरी होती है फीमेल की बॉडी में ये होता है जहां पे एग बनता है, जिस तरह मेल में टेस्टिस में स्पर्म बनता है, जो ओवरी होती है इन केस ऑफ फीमेल यहां पे एग बनता है। जब हम लोग ओवरी का क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो हमें इसके अंदर मुख्तलिफ से, ठीक है जी, अगर हम लोग ओवरी का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें इसके अंदर डिफरेंट वेजिकल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है, हमें इसके अंदर क्या नजर आते हैं, हमें इसके अंदर वेजिकल्स नजर आती हैं। अब ये वेजिकल्स को हम लोग एक जर्नल टर्म देते हैं, इट इज कॉल्ड फॉलिकल, ठीक है जी, फॉलिकल ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग मौजूद है, या हम ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर वो चीज है जिसने एग में बदलना है, ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होगा जो मेरी इस, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में मेरी जाके आप देख सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो वेजिकल्स होते हैं इन्हें हम लोग जनरली कहते हैं फॉलिकल, इसके अंदर बेसिकली वो चीज होती है, ठीक है जी, जिसने किस में बदलना होता है, एग में या ओवम में। अब वो चीज क्या होती है, ठीक है, मियोसिस के स्टार्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं कि वो होती है गैमेटोगोनियम, अगर इसकी बात की जाए तो ओगोनियम होंगे इसमें। अब इनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है जी, तो ये जो ओगोनियम होते हैं ये डिवाइड करके, बल्कि हम लोग इधर यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे स्पेस मौजूद है। तो सबसे पहले क्या होता है जी, ओगोनियम है विच इज डिप्लॉयड, ठीक है जी, ये माइटोसिस करके बनते हैं, प्राइमरी ओसाइट विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, देन इट डिवाइड मियोटिक वन, और ये दो स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है जी, वन इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट, अनदर इज कॉल्ड पोलर बॉडी,
ठीक है, ये हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं क्रोमोसोम के लिहाज से, हम लोग नहीं सिर्फ स्ट्रक्चरली बात कर रहे हैं, इसकी डिटेल जो हमने थी वो मियोसिस की वीडियो में हमने पढ़ ली थी। अब ये जो स्कैंडियोसाइट और फर्स्ट पॉलर बॉडी होती है, यहां तक जो एग की डेवलपमेंट होती है वो ओवरी या फॉलिकल के अंदर हो रही होती है, ठीक है। जैसे स्कैंडरी जो ओसाइट है वो बन जाता है तो फिर यहां पर रैप्चरिंग हो जाती है, ये जो फॉलिकल था इसके अंदर जो सेकेंडरी उठाई था ये क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से फॉलिकल बाहर आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या फॉलिकल बाहर आ जाता है और ये स्ट्रक्चर पिचक के रह जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है जो कि फीमेल जो ओवरी थी उसके अंदर हो रहा होता है कि फॉलिकल जिसके अंदर क्या था वो गोनियम, वहां से प्रोसेस से वो सेकेंडरी ओसाइट बना। अब जब उसकी डेवलपमेंटल स्टेज पूरी हो जाती है ओवरी के अंदर तो LH हार्मोन होता है, जब हम लोग मेंसुरेशन या साइकिल ऑफ फीमेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग हार्मोन के साथ डिटेल से बात करेंगे, तो उस हार्मोन की वजह से क्या होता है इसकी रप्चरिंग होती है और ये एग बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस का हम लोग ओवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, ओवोल्यूशन का प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो एग होता है वो फॉलिकल से बाहर आता है। अब इस फॉलिकल के अंदर इतना प्रोसेस जो होता है, ठीक है, जिसमें ओगोनियम से उसे स्कैंडियोसाइट करना है, ये कौन करता है, तो ओवरी का एग की प्रोडक्शन के साथ साथ एक और काम होता है, वो क्या होता है रिलीज ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। ये फीमेल के अंदर जो करेक्टर डेवलपमेंट है या उसकी जो कह लें कि ब्लॉगत है, ठीक है जी, उसकी जो अडल्ट है वो अडल्ट की तरफ जो जा रही होती है, ठीक है, पुबर्टी जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं जिसमें एक फीमेल हम लोग कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है या उसकी कंडीशन में पूरी उतर रही होती है, तो वो हार्मोन्स की वजह से होती है। अब फीमेल ओवरी जो होती है वो दो तरह के हार्मोन बनाती है, एक को हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दो हार्मोन मेनली, ठीक है जी, फीमेल बना रही ओवरी बनाती है। अब एस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है वो ये प्रोसेस करवाता है। उसके बाद LH की वजह से क्या होता है जी ओवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, स्कैंडियोसाइट फॉलिकल से रिलीज हो जाता है। अब ये स्कैंडियोसाइट की बात हम लोग बाद में करते हैं कहां पे जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर होता है जो बाकी बच जाता है फॉलिकल का, ये कंडेंस होता है और एक येलोश अपीयरेंस की स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या करता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये रिलीज करता है, ठीक है जी, जो कि फर्दर प्रोसेस जो फीमेल की बॉडी में एक एग के साथ होना है उसको मेंटेनेंस की तरफ जा रहा होता है, यूट्रस की तैयारी करवा रहा होता है कि इम्प्लांटेशन हो जाए, तो यहां तक एक सिम ओवरी का काम होता है। अब आते हैं जी दूसरी नंबर पे, अभी जाहिर सी बात है जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा ये साइक्लिक एक्टिविटी करेंगे तो वो जो फीमेल होगी अब वो बच्ची नहीं रही, वो ठीक है जी टीनेज कंडीशन से भी आगे चली जाती है, टीनेज कंडीशन क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जवानी के जो दिन है वो उन पे आते हैं, तो ये काम भी फीमेल के अंदर जो ओवरी का होता है कि वो फीमेल की सेक्स और हार्मोन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से स्कैंडी सेक्स करेक्टर डेवलप होते हैं, और नंबर टू ये पॉवर्टी कंट्रोल करती है, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये जो एग था स्कैंडियोसाइट अब ये रिलीज हो चुका है, ये स्कैंडियोसाइट यूट्राइन ट्यूब में जाएगा, ठीक है, यहां से ही निकलेगा और यूट्राइन ट्यूब में आएगा। अब ओवरी से यूट्राइन ट्यूब में ये जाता है, यूट्राइन ट्यूब की जो बेस होती है जो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो ओवरी के ऊपर होता है, यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं फ्रेदरी, ठीक है, फ्रेदरी लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इसे हम लोग फिम्ब्रिया कहते हैं, ये इस तरह मूवमेंट में हो रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ओवरी से ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये इनकी मूवमेंट की वजह से कहां पे चला जाएगा, ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है जी, यूट्राइन ट्यूब में या फ्लोपियन ट्यूब में। अब यहां तक यानी कि अगर हम एमसीक्यूज भी यहां पे बनता है कि जो यूट्राइन ट्यूब होती है इसके अंदर जो एग ओवरी से रिलीज होता है उसकी डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी होती है, तो वो बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट होता है जो यूट्राइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब लेती है। अब यूट्राइन ट्यूब की तरफ हम लोग आते हैं जो हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक जाएगा, जो यूट्राइन ट्यूब होती है ये फीमेल के अंदर जिस तरह ओवरीज दो होती हैं इसी तरह यूट्राइन ट्यूब भी दो होती हैं, ठीक है जी, दो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं और ओवरी की अगर हम लोग बात करें तो ये साइक्लिक एक्टिविटीज होती है, एक वक्त में सिर्फ एक ओवरी ही एग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी दूसरी नहीं होती। कभी कभार ऐसा होता है रेयर कंडीशन में कि दोनों ओवरीज ही एग की प्रोडक्शन करती हैं और अगर उसी दौरान दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फ्रेटर्नल ट्विंस की कंडीशन पैदा हो जाती है। अच्छा जी, तो यूट्राइन ट्यूब की तरफ आते हैं, तो यूट्राइन ट्यूब इसे हम एक दूसरा नाम भी देते हैं विच इज ऑल्सो नाउन एज फ्लोपियन ट्यूब,
ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब कहलाती है, स्कैंडी ओसाइड इसमें से गुजर रहा होता है, और जब स्कैंडी ओसाइड यहां तक आएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल की कंडीशन में अगर एग की फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये यहीं तक रहता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेस यूज होते हैं, वजह वो मेटाफेज फेज पे ही रुका रहता है। तो अगर स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जायगोट एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो एक अलग बात है, ठीक है, जिसे हम लोग सेंचुरेशन और प्रेगनेंसी साइकिल हमने दो पढ़ने हैं उसमें पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ जनरली एग की बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहां से ये इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये वाला एरिया नॉर्मी, इस एरिया के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है अगर स्पर्म नीचे से आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि हमने दो पॉइंट्स पढ़ लिए, पहला जी इसका दूसरा नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड फ्लॉपियन ट्यूब, और इसका जो प्रॉक्सिमल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब फिब्रिया का काम क्या था, हमने पहले पढ़ लिया कि ये इस तरह मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एग क्या होता है, ऊपर आता है। इसके बाद आगे यहां से एग को यूट्रस तक आना है। इस पूरे प्रोसेस में एग के अंदर तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से वो खुद चल के आगे चला जाता है, तो लिहाजा इतने एरिया में ही कुछ इस तरह की अडेप्टेशन होनी चाहिए या की गई है कुदरत की तरफ से, जो इस एग को यहां से यूट्रस तक लाता है। पहला तो ओवरी से यहां तक फिब्रिया की वजह से आता है, दूसरा दो एक्टिविटीज होती हैं जो कि एग को फ्लोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस तक लेके जाती है ताकि वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो। वो कौन कौन सी, पहला जी सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है जी, क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं, किस लिए, पुशिंग ऑफ ओवम, ताकि ओवम को मूव करे इस, और ये पूरे इंटायर लेंथ में मौजूद होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके साथ साथ जो दूसरा प्रोसेस होता है वो है पेरिस्टाल्टिक, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी या पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रैक्शन अल्टरनेट रिलैक्सेशन होती है, और ये जो दोनों एक्टिविटीज होती है, सीलिया की मूवमेंट, ठीक है जी, और पेरिस्टाल्सिक एक्टिविटी, ये दोनों क्या करती हैं, एक एग को एक ओवम को यहां से, ठीक है जी, इंटायर मूवमेंट में यहां तक ले आती है। अब कितनी देर में, ठीक है जी, बेशक सीलिया मौजूद है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हो रही होती है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो होती है, अप्रोक्स काफी ज्यादा। किस तरह हम लोग, हमें पता चला कि तकरीबन प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड तक, ठीक है, या हम कह लें स्टार से एंड तक यूट्राइन ट्यूब के एक किनारे से एंटर हुआ और दूसरे किनारे तक रिलीज होने के लिए पेरिस्टाल्सिक एक्टिविटी और सीलिया की मूवमेंट के बावजूद एक सिंपल एग, एक टिपिकल ओवम 7 से 8 दिन ले लेता है, यानी कि यूट्राइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो एग की जर्नी होती है, एक एग का सफर होता है, वो 7 से 8 दिन तक होता है, यानी कि 7 से 8 दिन वो सिर्फ इसी रास्ते को क्रॉस करता करता यूट्रस तक आ रहा होता है। इस तरह ये एक एग यूट्रस से यूट्रस तक पहुंचता है जिसमें सेल्स सीलिया की मूवमेंट होती है और पेरिस्टाल्टिक। और जैसा कि मैंने पहले बात कर दी थी कि अगर नॉर्मली एमसीक्यूज आता होता है कि जो यूट्राइन ट्यूब होती है इसके अंदर एग किस डेवलपमेंटल स्टेज पे होता है, तो वो जैसा कि यहां पे भी लिखा है वो होती है जी सेकेंडरी ओसाइट के प्रोसेस में, या सेकेंडरी ओसाइट तक ही वो रहता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, ओवरी का स्ट्रक्चर, और नंबर टू यूट्राइन स्ट्रक्चर। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस, ठीक है जी, वजीना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अल्लाह हाफिज़।